Hello children, welcome to Monu Ma'am's Paathshala. Hope you all are doing great. आज हम NCERT के Marigold book के Unit 1, Second Part, Three Little Pigs को पढ़ेंगे और उनके activities को भी करेंगे, ठीक है? इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें, नीचे दिए गए red button को दबाकर channel को subscribe कर लें। तो आइए शुरू करें पढ़ना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे Three little pigs, तीन छोटे सुअर। Listen and enjoy this story. सुनिए और enjoy करिए इस कहानी को। Once there were three little pigs. एक बार की बात है, तीन छोटे सुअर थे और उनका नाम था सोनू, मोनू and गोनू। सोनू lived in a house of straw. मैं आपको दिखा देती हूँ सोनू, मोनू और गोनू का घर। यह सोनू का घर है, यह मोनू का घर है और यह गोनू का घर है, ठीक है? सोनू lived in a house of straw. सोनू एक स्ट्रॉ के घर में रहता था। स्ट्रॉ मतलब हिंदी में स्ट्रॉ को पराली कहते हैं, पराली। तो देखिए, हम देख सकते हैं सोनू का घर जो ये ऊपर लगा हुआ है, यह पराली है, जो हम धान के खेती से निकला हुआ जो सूखा हुआ होता है उसे पराली, हिंदी में पराली कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है? तो सोनू का घर जो है वह पराली से बना हुआ था। एंड मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक। और मोनू का जो घर है वह एक लकड़ी से बना हुआ, स्टिक लकड़ी के डंडों से बना हुआ घर है, हम पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है? एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक। गोनू जो है, गोनू ईंट के घर में रहता था, ईंटों के घर में, ईंटों से बना हुआ। देखिए, हम देख सकते हैं पिक्चर में गोनू का घर ईंटों से बना हुआ है, ठीक है? तो हम इस स्टोरी में देख सकते हैं कि तीन सुअर थे और जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू है, और सोनू जो है वह पराली के घर में, और मोनू जो है वह स्टिक लकड़ी के घर में, और गोनू ईंटों से बना हुआ घर में रहते थे, ठीक है? One day a big bad wolf came to Sonu's house. एक बार एक बड़ा सा बुरा, बहुत ही खराब भेड़िया आया सोनू के घर में। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. भेड़िये ने सोनू से कहा कि मैं तो हफ और पफ मीन्स जोर से फूकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और उसने हफ्ड किया मीन्स जोर से फूका, एंड ही पफ्ड मीन्स उसने जोर से फूका, एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने भेड़िए ने सोनू के घर को गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू दौड़ के मोनू के घर में पहुंच गया। द उल्फ केम टू मोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ And I will blow your house down. भेड़िये ने मोनू से कहा कि मैं जोर से फूकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew मोनू's house down. और उसने जोर से फूका और उसने मोनू के घर को भी गिरा दिया। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, भेड़िये ने मोनू के घर को भी जोर से फूंक मारा और उसने मोनू के घर को भी गिरा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूस हाउस। अब देखिए, सोनू एंड मोनू दे रैन टू गोनूस हाउस। अब दोनों दोस्त सोनू और मोनू दौड़ के गोनू के घर पहुंचा। द उल्फ केम टू गोनूस हाउस। ही सेड, आई विल हफ and puff and I will blow your house down. भेड़िये ने गोनू से कहा, मैं जोर से फूकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed but he could not blow the brick house down. It was very strong.
और भेड़िये ने जोर से फूका, मगर वह गोनू के घर को नहीं गिरा पाया क्योंकि वह ईंटों से बना हुआ था और वह बहुत मजबूत था। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. और हार कर वह बड़ा सा बुरा उल्फ चला गया और उसके बाद सोनू, मोनू और गोनू एक साथ लाल रंग के ईंटे के घर में खुशी खुशी रहने लगा। अब हम एक्टिविटी की ओर जाएंगे। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। एंड बैड, एंड का मतलब है और, बैड का मतलब है बुरा, बिग का मतलब है बड़ा, बट मगर, नॉट नहीं, वन एक, पिग सूअर, द यह एक आर्टिकल है जो कि आपको मेरे अगले वीडियोस में पता चलेगा, और जो वाज है यह बी और इज का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। यह भी आपको बाद में मेरे दूसरे वीडियोस में आपको पता चलेगा, ठीक है। लेट्स रीड, आइए पढ़ें। The wolf was big and bad. भेड़िया बहुत बड़ा और बुरा था। The pig was not big. सूअर बड़ा नहीं था। Reading is fun. पढ़ना बहुत मजेदार है। How many pigs were there? मतलब कहानी में कितने सूअर थे? तो बच्चों आप बताइए, हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें कितने सूअर थे? There were three pigs. वहाँ तीन सूअर थे। What did the big wolf say to the pigs? जो बड़ा भेड़िया था उसने तीनों सूअर से क्या कहा? The big wolf said, I will huff and I will puff and I will blow your house down. बड़ा सा भेड़िया था उसने सूअरों से कहा कि मैं जोर से फूकूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। Let's talk, आइए बातें करें। Was the wolf good or bad? भेड़िया अच्छा या बुरा था? जैसा कि हमने स्टोरी में देखा कि भेड़िया बहुत बुरा था, तो हम कहेंगे The wolf was bad. What is your house made of? आपका घर किस चीज़ से बना हुआ है? क्या आपका घर पराली से बना हुआ है, या आपका घर लकड़ी से बना हुआ है, या ईंट से? जिस चीज से भी आपका घर बना हुआ हो आप उसके बारे में बातें करें। Let's share, आइए बांटे। Who is good, कौन अच्छा है? Who is bad, कौन बुरा है? यहाँ हमें दो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, एक है पिग और एक है उल्फ। हमें यह बताना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो बच्चों हमने स्टोरी में देखा कि पिग अच्छा है और उल्फ बुरा है। पिग इज गुड एंड द उल्फ इज बैड, ओके। Let's act, आइए नाटक करें। Imagine you are at home when the wolf huffs and puffs. सोचिए कि आप घर पर है जब भेड़िया फूंक रहा है। Act out the story of the wolf and three pigs. और नाटक करिए तीन सुअर और भेड़िये की कहानी का, ठीक है। Say loud, जोर से बोलिए। One, two, three, four, five, six. Let's draw, आइए draw करें। Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the picture. यहाँ कहा गया है 1 से लेकर 10 तक जितने भी dots दिए गए हैं हमें उन्हें join करना है, ताकि हम एक सुंदर सा घर बना सके और फिर हम उस घर को कलर करना है। आप इसे अपने घर में कर लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए एक और होमवर्क है। देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन द पिक्चर। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइंस। यहाँ आपको घर में रहने वाले जानवर,
पानी में रहने वाले जानवर और नदी में रहने वाले जानवर के पिक्चर दिए गए हैं। आपको उन्हें पहचानना है और उन्हें अपने घरों तक पहुंचाना है। जो जानवर नदी में रहता है, पानी में रहता है, उसे आप पानी तक लाइन खींचे, और जो जंगल में रहता है उसे आप जंगल तक लाइन खींचे, और जो फार्म में या घर में रहता है उसे आप घर तक या फार्म तक लाइन खींचे। ठीक है, जैसे कि हॉर्स फार्म में रहता है, मुर्गी फार्म में रहती है, कुत्ता फार्म या घर में रहता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, बियर जंगल में रहता है, बफेलो घर या फार्म में रहता है, फ्रॉग जंगल में रहता है, फ्रॉग पानी या जंगल दोनों में रहते हैं, और काउ फार्म में रहता है या घर में रहता है, मॉन्की जंगल में रहता है, जिराफ जंगल में रहता है, राइनो जंगल में रहता है। तो आप इस तरह से उन्हें मिलाइए। ठीक है, अब सिंग गाना गाते हैं। बो वो सेज द डॉग, म्यू म्यू सेज द कैट, ब्लिट ब्लिट सेज द गॉट, रोर रोर सेज द लायन, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। बच्चों, आई होप कि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया है और मीनिंग को भी समझ लिया है, एक्टिविटीज़ को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें।